तीनों माताओं नारद बाबा महाराज भीष्मक के यहाँ आए, और जब नारद बाबा भीष्मक के यहाँ आए तो महाराज भीष्मक अपनी छोटी सी बिटिया को गोद में लेके कहाँ पहुंचे, संत नारद के पास। बाबा मेरी बिटिया को नामकरण कर दो। जब सुनी मुनि ने बात और खुशी भोगात पतरा लियो, और मुनि सोधी बाकी लगन रे नाम धरी लियो। रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम प्रभु ने कियो, प्रभु ने कियो। श्री संग प्या श्री कृष्ण संग प्या बचन दई कियो, श्री कृष्ण संग प्या बचन दई कियो, श्री कृष्ण संग प्या बचन दई कियो। जब सुनी मुनि ने बात खुशी भव गात पत्रा लियो, और मुन सोधी बाकी लगन नाम धरी दियो। रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम प्रभु ने कियो, हो श्री कृष्ण संग ब्याह बचन दे दियो। महाराज ने भीष्मक की बिटिया का नाम रुक्मिणी रखा, और नारद बाबा बोले आपकी बिटिया का विवाह जो है द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से होगा। इतना कह करके नारद बाबा चले गए। रुक्मिणी दिन दुना रात चौगुना शुक्ल पक्ष के चांद की तरह बढ़ने लगी, क्योंकि बेटियों पर भगवान की स्पेशल कृपा होती है। बेटियों पर भगवान की बड़ी अनुकंपा होती है। ये माताएं बैठी हैं, हमने देखा है घर में अगर बेटी हो बेटा हो, घर में गैया भैंसिया दूध दे रही है ना, अगर बिटिया लोग मांगे मम्मी दूध नहीं है तो काठी का महल पहलवान हो। अगर दूध दीबो करिए तो देखो ऐसे अंगुलिया लगाई लेती मजाल का मलाई गिर जाए, और अगर ये मधु मांगे तो ऊपर ऊपर की मलाई मलाई खबाई जात, ऊपर ऊपर की मलाई मलाई खबाई जात, और जो पता ही ना आए चलती मधु मलाई खात की मलाई मधु को खात। अब बिटियन कहीं साबुत मठा ना ही पियन के मिलती। आसो देखो ऐसे हैं आज अच्छाई तो गो असाड़ हुआ हो दोबारा माऊ डॉक्टर है तो सब भगवान की कृपा। महाराज भीष्मक की बिटिया जब कुछ बड़ी हुई ना, तो गुड़िया और गुड्डों का खेल खेलती हैं, और पहले सब यही खेल थे। बच्चे जो थे पता नहीं कितने बच्चे जो है पेड़ पर से गिर पड़े बेलपचो डंडा के चक्कर हाथ पाए तोल ले, कत्ती बिटियों ने उंगलियां तोलने गुट्टा खेल खेल। हमने देखा छोटे पर पहले यही खेल थे। बेटियां बैठी हैं, इनकी दो पार्टियां बन जाती थी, एक लोगों का गुड्डा एक लोगों की गुड़िया। गुड्डा की बरात गुड़िया के यहाँ आती थी, यही सब खेल होते थे। जितनी बुढ़िया बैठी इनसे पूछो सब गुड़िया ही खेले। अब भैया सारे खेल जाए मोबाइल में है, सब खेल जाए मोबाइल में है, ऐसे ऐसे खेल चल गए मोबाइल। बिटिया खेल खेलते खेलते चिड़िया फुर्र हुई जात। अब कान में नहीं फोन लगाना पड़ता है, अब तो व्हाट्सएप पर ही चैटिंग हो रही है। अगर मम्मी बिना पढ़ी लिखी माने का पूछा बेटी क्या कर रही हो, तो कहीं कुछ ना अम्मा गेम खेलती। अम्मा का पता कैसे गेम खेलती,
शाम को हम गीत सुनाएंगे, एक बहुत बढ़िया हमने गीत लिखा है मोबाइल के विषय में, इतने टाइम समय नहीं है ना। तब तक एक ब्राह्मण देवता आ गए कुंदन पुनि, बड़े सुंदर गीत गुनगुना रहे हैं। अरे ब्रज भूमि में हुआ ही अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में भूमि में हुआ ही अवतार कन्हैया का, भूमि में हुआ ही अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ ही अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ ही अवतार कन्हैया का, सौभाग्य ही मुनि का दीदार कन्हैया का, देवता भगवान श्याम सुंदर का गीत गा रहे हैं और द्वार द्वार पर भिक्षा मांग रहे हैं। और जब रुक्मिणी मैया ने ब्राह्मण देवता के मुखार बिंदु से भगवान कन्हैया को गीत सुनो, तो रुक्मिणी भगवान की दीवानी बन गई। भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप का वर्णन पंडित जी कर रहे हैं गीत में। भगवान श्याम रे हैं, उनकी ग्रीवा बड़ी सुंदर है, उनके अधर बड़े सुंदर हैं, उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं। और जब रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन सुना तो रुक्मिणी भगवान कृष्ण के लिए पागल बन गई। कोई पागल है धन दौलत का, तो कोई पागल रूप बड़ाई का, लेकिन सबसे बढ़िया है वो पागल जो पागल कृष्ण कन्हैया का। अगर दुनिया वालों के लिए पागल बनोगे कल्याण नहीं होगा, भगवान के लिए गोविंद के लिए पागल बनोगे जीवन मंगल में हो जाएगा। क्या हुआ? हरी गुड़ियों का खेल सारी दबो, माताओं बहनों उसी दिन से रुक्मिणी मैया गुड़ियों का खेल भूल गई। भगवान श्याम का चित्र मानसिक चित्र चित्रण करके सीने से उसे लगाती हैं, सुंदर अक्षत नैवेद्य इत्यादि से पूजन करती हैं और बस यही वर मांग रही भगवान श्याम सुंदर से, प्रभु आपके चरणों में हमारा प्रेम और बढ़ता जाए।